बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है रिमशा और आप देख रहे हैं रिमशा विद कुकिंग। तो आज की हमारी रेसिपी है, मैं बनाने जा रही हूँ नमकीन सेमियाँ। तो सबसे पहले मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। ये देख सकते हैं हम लोग ऑयल बना लिया है तकरीबन एक कप के करीब। अब मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज में लिए हैं 2 अदद बारीक कटे हुए, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो अब मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी इसमें, और प्याज को हल्का हल्का लाल करना है, बहुत ज़्यादा प्याज को नहीं लाल करना। तो 5 मिनट तक मैं प्याज को पकाऊँगी ताकि प्याज अच्छे तरीके से गल भी जाए और हल्का हल्का लाल भी हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इसमें हमारे तो ये देखिए आप लोग देख सकते हैं प्याज हल्का हल्का लाल हो रहा है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और मैं इसको इसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी। इसमें मिक्स करने के बाद फिर मैं इसमें ऐड करूँगी गोश्त, मुर्गी का गोश्त मैंने लिया है 1/2 किलो। देख सकते हैं आप लोग, ये मैं इसमें ऐड करूँगी ताकि गोश्त फ्राई हो जाए। इसके साथ में इसी के साथ ही ऐड कर दूँगी। अब इसको मैं 5 मिनट तक इसको पकाऊँगी अच्छे तरीके से ताकि हमारा गोश्त अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बिस्मिल्लाह हो रहा है। तो ये देख सकते हैं हम लोग गोश्त हमारा फ्राई हो चुका है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी नमक मिर्च, ये देख सकते हैं आप लोग 2 अदद में दड़ा मिर्च, 1/2 चम्मच खुश्क धनिया, 1/2 चम्मच गर्म मसाला और 1/2 चम्मच हल्दी, और 3 चम्मच में लाल मिर्च और 2 चम्मच नमक के मैंने इसमें ऐड करूँगी। अब इसमें इसको मैं इसमें मिक्स कर लूँगी। और मैं इसके बाद थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करूँगी ताकि ये लगना चाहिए नीचे। और इसको मिक्स कर दूँगी, पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया थोड़ा सारा। और इसके बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर, हरी मिर्चें 4 हरी मिर्चें और 1 अदद टमाटर, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। इसका मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। 5 मिनट तक मैं इसको पकाऊँगी मसाले को अच्छे तरीके से ताकि टमाटर भी गल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इसमें हमारे तो ये देखिए हमारा मसाला रेडी हो चुका है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी मटर, ये देख सकते हैं आप लोग, मेरी 1 पाव के करीब होगी, मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और इसके बाद मैं दूँगी आलू मैं लिए 1/2 किलो, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी बारीक कटे हुए आलू। और इसको मैं इसमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी इसमें। अच्छी तरीके से मैं इसको इसमें पका लूँगी। और उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी 1/2 कप ताकि ये मटर और आलू वगैरह गल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इसमें तो ये देख सकते हैं आप लोग मसाला रेडी हो चुका है, मटर और आलू वगैरह गल चुके हैं। और इसमें ऐड करूँगी सेमियाँ, ये देख सकते हैं आप लोग सेमियाँ ली हैं 1/2 किलो, फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इसको इसमें मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। तो मैं इस
इसके अंदर पानी ऐड करती हूँ। पानी इतना ऐड करना है कि सेमिया इसमें डिप हो जाए, पानी के अंदर चल गई सेमिया। इतना पानी इसमें ऐड करना है, ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना। मैं इसके इनको सेमिया को सारे पानी के अंदर कर रही हूँ। आप लोग भी अपने घर में भी कर कीजिएगा, मुझे फीडबैक कीजिएगा कि नमकीन सेमिया आप लोगों से कैसे बनी। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी बनेगी, बहुत ही आसान सी रेसिपी है। अब मैं इसके ऊपर ढक्कन रख दूँगी तकरीबन 5 से 10 मिनट तक के लिए, और इसमें पानी खुश्क हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इसमें टाइम आ गया है, तो ये देख सकते हैं आप लोग पानी खुश्क हो चुका है। और अब मैं इसको 10 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी बिल्कुल हल्की आंच पे चूल्हे को करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देख सकते हैं आप लोग हमारी नमकीन सेमियाँ रेडी हो चुकी हैं। तो चलिए मैं आपको आप लोगों को प्लेट में निकाल के फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए गाइस, हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नमकीन सेमियाँ बहुत ही मज़ेदार सी बनती है, बहुत ही आसान सी रेसिपी है। 15 से 20 मिनट तक ये रेडी हो जाती है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए। इंशाल्लाह आप लोगों के घर वालों को बहुत ही पसंद आएगी। मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आप लोगों से। खुदा हाफिज़।